Good evening to you all, dear cadets. So presently we are going to start your psychology test. So the objective of psychology is to check the cognition. आपके दिमाग के सोचने की शक्ति cognition को check करने का test जो है उसको psychology का test. तो psychology test यानी what is the cognition? What is the cognitive approach of your brain? Which means कि आपका decision making कैसा है, how you think, whether you think positive or not, and whether you are able to take risk. Marginal risk or no risk. So what is the behavior pattern of yours? So these are considerably come under cognition. इसमें आता है ये cognition में आता है. तो आपके brain की capacity को check करने वाला test जो है वो आपकी psychology test. और psychology test में हमें करना क्या चाहिए? Actually SSB test में हमें 15 officers like quality को display करना है इसमें. And many of the candidates actually used to write only qualities which is actually not acceptable. So what I advise you that you are expected to write all the qualities in the behavioral form. Behavioral form का मतलब क्या होता है? Suppose you write that I am a disciplined boy. So who says that I am not disciplined? So actually writing the quality is not the part of your approval of the quality. Rather what I expect that you should write. So I do my work in time. It is a kind of dedication, discipline part also. So try to follow the rule of behavioral form instead of writing the quality directly. तो सबसे पहले आपको उसका बिहेव फॉर्म पता होना चाहिए कि कैसे लिखना चाहिए. तो इन एग्रीगेट अगर हम समिंग अप करें इसमें कि हम इतने कॉम्प्लिकेशन में ना जाकर हमें कौन कौन सी क्वालिटी को समझना चाहिए, तो एक्चुअली ऑल द क्वालिटीज आर सेपरेटेड इनटू फोर डिफरेंट फैक्टर्स. कितने फैक्टर्स हैं? फोर डिफरेंट. सो लाइक टू इवन अपील यू ऑल दैट यू हैव टू रिपीट इट. फैक्टर वन इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. मींस दैट व्हाट इज द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन. दिमाग ही तो करता है. अच्छा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं इसमें, तो आपको अगर मैं पूछूं इसमें कि आप आर्म फोर्सेस से रिलेटेड को प्लानिंग करेंगे कि आपने डे टू डे लाइफ वाली करें? अच्छा, कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का आपके लाइफ में स्टूडेंट लाइफ में भी कोई एग्जांपल दो? सरस्वती पूजा, जो इनके साथ एसोसिएटेड इफेक्टिव इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग पावर ऑफ एक्सप्रेशन. तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताइए इफेक्टिव इंटेलिजेंस में हमने क्या समझा अभी. व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव इंटेलिजेंस? द क्वालिटी व्हिच यू हैव बट यू आर अनएबल टू डिस्प्ले. जैसे कि सपोज आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अंग्रेजी आपको आती है लेकिन डिस्कशन में नहीं बोल पाते, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन की इफेक्टिवनेस क्या होगी? क्वेश्चनेबल होगी ना. इट इज द अनइफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी. इफेक्टिव होना चाहिए, यानी जो क्वालिटी है वो दिखना भी चाहिए. उसी तरह से करके हमारी सारी क्वालिटीज हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए. तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा एम्फसाइज करते हैं, फोकस करते हैं. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन? एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज जस्ट लाइक ए टैब. टैब का मतलब होता है एक नल जैसा. सपोज दैट यू आर अ बास्केट, यू आर अ टब, यू आर अ कंटेनर वेयर ऑल द क्वालिटीज आर केप्ट. लेकिन टैब भी नहीं होगा, उसमें नल ही नहीं होगा, तो क्वालिटी कहाँ से निकलेगी? Isn't it? Yes. So power of expression is the medium through which you are going to express the content and the quality of yours. So that you should work on that power of expression. Power of expression को कैसे सुधार सकते हैं? Regularly you should engage yourself in the group discussion part. Group discussion part में हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि आपको बोलने पर ज़्यादा ध्यान देना है, सुनने वाले पार्ट पे अभी नहीं. ठीक है, ये बोलने पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो power of expression थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा. And later is the part of the training schedule. तो हम पहले वाले सेक्शन को क्या समझ पा रहे हैं? यस सर. लेट्स स्टार्ट विद सोशल. सेकंड फैक्टर सोशल एडजस्टमेंट. सो व्हाट आर द क्वालिटी सोशल एडजस्टमेंट? सोशल अडैप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको बताया इसमें सोशल एडजस्टमेंट में सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एक की फैक्टर होता है. इट इज जस्ट लाइक अ क्रेन और ट्रेन का इंजन. अगर ये आपके पास है रिस्पांसिबिलिटी, इवन इट कैरीज ऑल द क्वालिटीज अलोंग विद योर बेसिक रिस्पांसिबिलिटी. अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपकी जिम्मेदारी में सारे की फैक्टर अपने आप एसोसिएट हो जाते हैं. सोशल एडॉप्टेबिलिटी और कोऑपरेशन ये भी इनके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी को थोड़ा ज़्यादा नहीं रखना. ज़्यादा स्टोरी को सोशल एडॉप्टेबिलिटी में बनाना नहीं चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? जो भी ज़्यादा एडॉप्टिव होगा तो वो फिकल हो जाएगा. वहाँ जाएगा तो वहाँ का हो गया, यहाँ जाएगा तो वहाँ का हो गया.
तो अडॉप्टिव होना ठीक तो है लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। ठीक है, यू आर अडॉप्टेड बट यू शुड फोकस मोर ऑन दैट। ज़्यादा अडॉप्टिव होंगे तो क्या हो जाएगा, फिकल हो जाएगा ना। फिकल का मतलब क्या होता है, हंसते रास्ते यानी कि आपका डिसीजन जो है फॉर्म नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये सब मार्जिनल सेक्शन है, इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टार्ट विद सोशल इफेक्टिवनेस, जिसमें कौन कौन सी क्वालिटी इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, दो तीन स्पीकर होंगे उनको प्रिविलेज दिया जाएगा, बाकी स्पीकर नहीं बोलते, फर्स्ट स्पीकर जो इनिशिएट करता है। इनिशिएटिव पार्ट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन द इंडोर टास्क ग्रुप डिस्कशन ओनली, ये आपका हर एक सेक्शन में होगा, आपका जीडी में भी होगा, आपका इसमें आउटडोर टास्क में भी होगा कि आप जो है ग्रुप प्लानिंग के समय इनिशिएट करते हैं। इनिशिएटिव जो भी होता है वो एक इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द लीडर, जो भी लीडर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्रुप को टास्क समझाए। तो जब आप इनिशिएट करते हैं इसमें तो आई सीन मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स कि वो सिर्फ बोलने के ऊपर फोकस करते हैं, रेदर आई शुड फोकस दैट इफ यू आर द इनिशिएटर पार्ट, इफ यू आर इनिशिएटर सो यू शुड थिंक अबाउट वेदर आई एम टेकिंग द ग्रुप इन राइट डायरेक्शन ऑल। आपको सिर्फ बोलने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, यू हैव टू लीड द ग्रुप ऑल्सो। तो इनिशिएटर को ध्यान रखना है कि मुझे अपने ग्रुप को एक डायरेक्शन देना है जिस पर वो बोलना शुरू करे। इज इट क्लियर? सपोज दैट मान लेते हैं इसमें कि अगर आप एक कैप्शन मिला इसमें कि फीमेल 40 साइड, समटाइम क्या होता है टेक्निकल कैप्शन में मिल जाते हैं, तो फीमेल 40 साइड यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, और कैंडिडेट ने कहा गुड इवनिंग जेंटलमैन, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड इट इज़ बर्निंग इशू ऑफ द कंट्री, सो दैट आई थिंक दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज रिक्वायर्ड समथिंग 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 समथिंग। और दूसरे और तीसरे वाले कैंडिडेट ने कहा कि ओके जेंटलमैन, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल 40 साइड, किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द एम्ब्रियो ऑफ द वुमेन और मदर इज फीमेल 40 साइड, सो दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ हिनस क्राइम इन द सोसाइटी। तो जो भी कैंडिडेट भले तीसरी बार में उसने टॉपिक को क्लियर किया है, इवन ही विल बी कंसिडर्ड द इनिशिएटर, क्योंकि जब तक कैप्शन ही क्लियर नहीं है तब तक आप कैरेक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं पार्टिसिपेंट्स भी जो बोलने पर ध्यान देते हैं लेकिन वो टॉपिक को क्लैरिफाई नहीं करता। सो यू थिंक अबाउट इट और आपको लगता है कि मैं टॉपिक को एक बहुत अच्छा डायमेंशन दूंगा मैं इसमें, देन यू कैन बी द इनिशिएटर। एम क्लियर? यस सर। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को चाहिए आपका कॉन्फिडेंस, ऐसे में आके आई ओरिएंटेड ऑप्शन को चाहिए आपको, एंड विदाउट इट यू कांट पास द एग्जाम। स्पीड ऑफ डिसीजन, स्पीड ऑफ डिसीजन का मतलब होता है कि आपको जो भी चैलेंज दिए जाए साइकोलॉजी पार्ट में चाहे जो भी टेस्ट में उसको आप जल्दी से एग्जीक्यूट करें। सपोज मान लेते हैं कि आपको कहा गया है इसमें कि सपोज यू आर गोइंग टू योर कॉलेज एंड यू फाइंड समथिंग हैपन, कुछ ऐसी बात होगी तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे मैं कॉलेज चला जाऊँगा तो डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उसमें स्कार्सिटी है टाइम की, आपके पास टाइम कम है इसमें तो डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन नहीं है। ज़्यादातर स्पीड ऑफ डिसीजन जो होते हैं वो रिस्क एसोसिएटेड स्टोरीज में आते हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और कुछ एक्सीडेंट हो गए तो क्या करें, तो एक्सीडेंट में लाइफ का रिस्क है और जल्दी डिसीजन नहीं लिया तो लाइफ डेथ में हो जाए। तो स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट एंड एक्चुअली यू आर रिक्वायर्ड टू रिवील समथिंग ऑन दैट। तो स्पीड ऑफ डिसीजन अगर देखा जाए तो रिस्क एसोसिएटेड फैक्टर के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ता है इसमें, और इसके बिना आप ऐसे स्टोरीज नहीं लिख सकते। कौन से स्टोरीज? जिसमें रिस्क होता है, रिस्क मतलब क्या होता है, आग लग गया कहीं, एक्सीडेंट हो गया कहीं, नदी में एक बच्चा जो है डूब रहा है तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे मैं घर से जाकर रस्सी लिखाऊंगा, डिसीजन लेट हो गया तो बच्चा डूब जाएगा ना इसमें। तो स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपकी क्वालिटी सोशल इफेक्टिवनेस में। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, अगर आपने ऐसी एबिलिटी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग आपकी बात सुनते हैं इसमें, बहुत बढ़िया है इसमें, और ज़्यादा नहीं है तो आराम से रहिए। मॉडरेट कैंडिडेट भी बहुत अच्छे सेलेक्ट होते हैं इसमें, आर्टिफिशियली अपने आप को शो नहीं करना। लेट अस टॉक अबाउट डायनेमिक ड्राइव। तो डायनेमिक ड्राइव अभी क्या बताया मैंने आपको, चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, ये नहीं कि मैं बहादुर हूँ और चार लोगों ने घेर लिया तो मैं लड़ाई करके शहीद हो जाऊँ, दैट इज नॉट गतिशील। व्हाट इज द डिमांड ऑफ दैट सिचुएशन, यू हैव टू सी समथिंग एल्स, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि आपके बिहेव कॉम्पोनेंट में ये डायनेमिज्म होना बड़ा जरूरी है। डायनेमिज्म का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू एक्चुअली चेंज योर बिहेवियर। क्लियर? तो चेंज का मतलब ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, यानी कि उस समय दूसरी क्वालिटी के ऊपर स्किप हो जाए। जैसे मान लेते हैं आप कहते हैं बहादुर, मैं ब्रेव हूँ, करेजियस हूँ, और आपको 5-6 लोगों ने हम के साथ घेर लिया इसमें,
वो बहादुरी के साथ तो आप शहीद हो जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर आप अपने दूसरी क्वालिटीज को दिखाएंगे ना इसमें, कन्विंसिंग को दिखाएंगे, दूसरे लॉजिकल एप्टीट्यूड को दिखाएंगे इसमें। तो ये नहीं कहेंगे मैं बहादुर हूँ तो बहादुरी दिखाऊंगा। तो डायनेमिज्म मीन्स शिफ्टिंग योर क्वालिटी विद द रिक्वायर्ड सिचुएशन। Am I clear? Yes, sir. और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे करेज होता है, स्टेमिना होता है, डायनेमिज्म होता है। लाइवलीनेस तो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। Always and you remember in the whole task of SSB while performing, you should be smiling. Should be smiling. Because without it, even the assessor cannot pass you. He may feel that actually whatsoever the component you are displaying, it is the artificial grade and you are not enjoying the task.